तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले क्वेश्चन से तो शुरू ही नहीं करते। अपना तो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और उनको तो, अब अंकल को चाय तो पी नहीं हुई है, उनको 0-1 दिख रहा है, तुमने लिखा है 1-0। आंसर अंकल की शीट में आंसर था SO2, तुमने यहां पर लिखा है शॉर्ट की। समझ में आ रहा है? शॉर्ट की मैच ही नहीं हो रहा आंसर। ओ, अब तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, 10वें सवाल का आंसर था, पर अंकल को क्या पता इस बात का। वो जनरली इस मिस्टेक में दिक्कत हो जाती है, वो गो रॉन्ग करेगा और तुम्हारे को नंबर नहीं देगा, फिर बाद में जो तुम्हारी क्रॉस चेकिंग होती है फिर चाहे तुम्हें दे दे। बट यार ओवरऑल तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? आप सीरियल वाइज क्यों नहीं चाहते? क्योंकि दया नहीं खाते अंकल पर, अंकल की मूछें उड़ गई है, देखो बाल उड़ गए हैं, तुम दया नहीं खाते हो। बेटर है कि आप लोग आंसर ऐसे ही लिखो। देखो जनरली ऐसा होता है, प्रेशर में रहता है, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं उसने, फिर अंकल को चेक करना पड़ता है कि अरे अच्छा ऐसा लिखा था, इसका आंसर लिखा था। पर ये ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, इसमें अंकल की भी गलती नहीं है और तुम्हारी भी गलती नहीं है। कल को तुम चेक कराओगे तो फिर वो ठीक होती है जाके, पर इतनी रिस्क उठाओ ही क्यों? समझ में आ रहा है? बेटर है कि आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो फिर दूसरे का आंसर लिखो। जगह छोड़ दो, नहीं आता तो बाद में लिख देना। अगर जगह छोड़ी होगी तो वो समझ जाएगा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, छोड़ दो, पहले का आंसर लिख दिया मान लो तुमने, दूसरे का नहीं आता छोड़ दो, तीसरे का लिख दो, चौथे का लिख दो, तो वो समझ जाएगा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा। अच्छे से करो ना यार, कई लोगों को नहीं आता लिखना, क्या ऐसे नहीं चलता है काम।